चंद्र है और ये हमें इसकी वीडियो टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये 10 साल से इसको सोराइसिस नामक चमड़ी का बीमारी थी और ये ऐसी भयानक बीमारी है जिस व्यक्ति की स्किन में होती है दरारें पड़ती हैं, गल जाती हैं और वो शायद हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोगों की स्किन गल जाती है और उन्हें कपड़े नहीं डालने होते और पूरी गली हुई स्किन के साथ वो अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ये भाई जब चर्च में आया उसकी कंडीशन हम देखेंगे वीडियो टेस्टिमनी में कि जब ये चर्च में आया तो कैसे आया चर्च में। अगर आप देखेंगे इसकी पूरी स्किन जो है वो गली हुई है और इसकी जो बहू है वो रोज 100 से 150 ग्राम मांस इनकी स्किन से निकलता था जिसको वो रोज झाड़ू से इकट्ठा करती थी और इस तरह से ये इमरजेंसी सेक्शन में आया था। उस दिन की वीडियो ये वो मांस है, जब सुबह ये उठता था तो इसकी स्किन से निकल कर इसके ये घर का फर्श है जहाँ से उसको इकट्ठा करना पड़ता था झाड़ू से। और इमेजिन करो कितनी स्मेल उस रूम में होगी, ये उन्हीं का रूम है। ये इसी की स्किन है, हर रोज उतरती थी जो। और पीजीआई चंडीगढ़ जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जब स्किन में कीड़े पड़ने शुरू हो गए तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने एडमिट रहना पड़ेगा और 10 से 15 दिन इनको लाइफ दिया था कि अब ये जिस कंडीशन में इनकी ज़िंदगी पहुंच गई है 15 दिन से ज़्यादा ये नहीं जी पाएंगे और 2 महीने वहां पर ये एडमिट भी रहे। और इनकी स्किन की लेयर को खोलकर इनकी डीप स्टडी की गई डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई भी इलाज नहीं हुआ। फिर इनको जवाब मिल गया और पीजीआई डॉक्टर्स ने बोला आप जाओ ये बीमारी इनकी सेवा कर लो, बाथरूम टॉयलेट सब। उसके बाद बेड पे आ गया, इनका बेटा इनको संभालता था। अगर 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 इनकी वीडियो हम देखें तो इनके पीठ के पीछे एक, ये सिर्फ आप फ्रंट की वीडियो देख रहे हो तो अभी ये जब लेटे हैं इनकी अगर है तो वीडियो दिखाओ तो सोच क्या रहे हो तुम लोग। जब इनको नहलाते थे तो जिस टाइम इनके स्किन पर पानी टच होता था इनकी स्किन काली हो जाती थी। और इनकी पीठ, अगर यहाँ पे पीठ की वीडियो नहीं है, इनकी पीठ पर बड़े बड़े जख्म हो चुके हैं लेट लेट कर। बिना कपड़े ये सारा दिन तड़फते रहते थे, गंदी स्मेल आती थी, रिश्तेदार लोग कोई पास नहीं बैठते थे, घर के रिश्तेदार सब हालचाल पूछने ही आते थे और वापस बाहर से मुड़ते थे। इनको उम्मीद नहीं थी ये बच पाएंगे कि नहीं, और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनको सेपरेट अलग कमरे में रखो, बच्चे उनके करीब ना जाएं, नहीं तो बीमारी की फैल कर किसी और को अगर हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 से 6 डॉक्टर्स, लाखों रुपया इनके इलाज में लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत इतनी खराब, सिर मुंह के अंदर जख्म हो गए, स्किन गलनी शुरू हो गई, कीड़े पड़ गए और जब बिल्कुल दुखी हो गए
इनका बेटा इनको खामरा चर्च में लेकर गाड़ी में लिटाकर स्ट्रेचर पर लेकर चर्च में आया, जिसकी वीडियो अभी आपने देख ली। 12 जून 2022 के दिन जब डिलीवरेंस मीटिंग थी, तो वो ऑयल मीटिंग थी, उस प्रेयर को हम देखते हैं। उठाओ अपने ऑयल को, उस ऑयल को अपने माथे से लगाओ, बोलो आज परमेश्वर का अभिषेक मेरे सिर पे आ रहा है। अनॉइंट करो अपने बॉडी को, अपने बीमार शरीरों को मसा करो, उस ऑयल को निकालो और लगाओ। अगर सेक्शन में ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, प्रार्थना हो रही है अभी राइट नाउ। चेयर के रोगियों को, हर सीरियस पेशेंट को आज आप उसकी अनॉइंटिंग को रिसीव करके, उसके अभिषेक को ग्रहण करके, शैतान के बंधनों से छूट के आज आप वापिस जाएंगे। आमीन। चाहिए बरकत आपकी चर्च। जब इन पे प्रार्थना हुई तो इन्होंने अपने टेस्टिमनी में लिखा है कि सेम टाइम इनको गर्माहट महसूस हुई, एग्जैक्टली सेम टाइम। जिस दिन प्रार्थना हुई, सेम टाइम गर्माहट फील होने के बाद, 2 दिन के बाद इनकी स्किन का कलर और इनकी स्किन की कंडीशन चेंज होनी शुरू हो गई। और आज ये आदमी हमारे साथ है। शक्ल भी दिखाए लड़के, बोलो पापा जी ला दियो जरा, कोई गल नहीं, पिछे भी जरा दिखा दीए इन्हों, आप बैठे तो दिखा दीए, बहुत वधिया, तुम तो जवान है हले तुम। सफाई करती थी? हाँ जी पापा जी। रोज? हाँ जी पापा जी। और गंदी स्मेल आती थी रूम से? हाँ जी पापा जी, इतनी गंदी स्मेल आती ही, कोई रिश्तेदार कोई मल्ले वाला पता लेने आंदा सी, बाहरों गेट से चले जांदा सी, गेट तक स्मेल सी। हाँ जी, पूरे घर से स्मेल ही स्मेल सी, इतना तक कि साडे किराएदार भी कमरा खाली करके चले गए कि असि नहीं रहना इत्थे। तुहाडे किराएदार? हाँ जी। ओ जीसस।